चार महीने हुए गाड़ी को निकले हुए, ठीक है, और मात्र 3000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, ठीक है, ठीक है। ये डीजल में है, जो पहली मैंने आपको बताई वो पेट्रोल में, पेट्रोल में गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, अलॉय लगे हैं, टायर बढ़िया डले हैं कंडीशन में। इसका जो आस्किंग प्राइस है ये 2 लाख रुपए की रेंज में। जितनी भी एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन हो रखे हैं वो सारी साथ में मिलेंगी ना? बिल्कुल, जो कुछ है सब साथ में मिलेगा, उल्टा एक्स्ट्रा हम इसको कोटिंग करके देंगे। i20 है, 2013 मॉडल, पेट्रोल में स्पोर्ट्स मॉडल ये गाड़ी है, फुल टॉप मॉडल गाड़ी है, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, टायर बढ़िया कंडीशन में है। इसपे खास तौर पर कम से कम भी 1 से 1.5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट किया है, डंपिंग किट्स के साथ बास ट्यूब एम्पलीफायर और स्पीकर्स भी जो है एक्स्ट्रा जो इसमें लगवाए गए हैं। और गाड़ी जो है ये EX मॉडल है, जो आज की डेट में 13,90,000 की ऑन रोड, 2018 मॉडल थार है, ठीक है। काफी लोगों की डिमांड रहती है कि न्यू शेप नहीं चाहिए, आप ओल्ड शेप भी हमें चाहिए, ताकि ऑफ रोडिंग के लिए जी ओल्ड शेप जो बढ़िया थी। आपको कि ऑटोमेटिक में भी हमारे पास एक दो गाड़ियां आई हुई हैं, ठीक है। एक तो ये सिलेरियो है 2014 मॉडल में, और आगे बम्पर अगला पिछला दोनों बम्पर जो है इसके, वैसे भी गाड़ी काफी लग्जरियस है और काफी कंफर्टेबल बनाई गई। फ्रंट जो इसमें सारी HID लगी हुई है, जितनी लाइट है सारी HID लाइट है, ऑन म्यूजिक सिस्टम इसमें टच पैनल वाला लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सेंटर लॉकिंग, डॉक्यूमेंट सारे इसके अप टू डेट क्लियर है, ओके। और गाड़ी फुल टॉप से एक नीचे वाला SX ऑप्शन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आप सभी का ESS जम्मू ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो काफी धमाकेदार रहने वाली है, बिकॉज आप सभी लोगों की ये डिमांड थी कि GB कार्स के अपग्रेडेड स्टॉक को छूट किया जाए, और आज जो है हम GB कार्स के स्टॉक यार्ड में खड़े हैं। तो यहाँ पे आप पीछे गाड़ियां देख सकते हो, इन सभी गाड़ियों की डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा इनके पास ना डिस्प्ले में भी गाड़ियां लगी हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी मिलेगी। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ GB कार्स के ऑनर मिस्टर लाडी जी, सारी जानकारी उन्हीं से हम लेंगे। होते हैं तो सर प्लीज वेलकम, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया निकेश्वर, आप सुनाए? बढ़िया सर, बढ़िया। और सबको जी जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हर बार की तरह, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और हमारे ये बहुत सारा प्यार आप लेके आते हैं यहाँ जब भी आते हैं, नमस्कार। तो ये चीज आज ना थोड़ा वीडियो का टाइम थोड़ा हमने पहले रखा था, लेकिन थोड़े सर डील्स में बिजी हो गए तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है। तो लाडी सर आज थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दो, कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली, बिकॉज बारिश पड़ने वाली। निकेश्वर, काफी सारे कस्टमर बोलते हैं कि क्रेटा जो चाहिए होती है या वरना चाहिए होती है, तो उस टाइप से और लो सेगमेंट भी है, अप सेगमेंट भी, और ऑटोमेटिक में भी हमारे पास एक दो गाड़ी जो आज पड़ी हुई है, सो मिक्स सेगमेंट है। और बाकी मेन जो हाईलाइटेड गाड़ी है ना वो यहाँ पे आपको ये मिलेगी। इन गाड़ियों में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है वो भी सर डिटेल में बता देंगे आपको। सो पहली गाड़ी जो है Hyundai की क्रेटा, तो लाइट सर ये बता दो इसकी डिटेल। अनिकेश्वर, ये 2022 मॉडल है, नवंबर दिसंबर महीने की निकली, सिर्फ 3-4 महीने हुए गाड़ी को निकले हुए, ठीक है, और मात्र 3000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, ठीक है। और गाड़ी जो है ये EX मॉडल है, जो आज की डेट में 13,90,000 की ऑन रोड आई थिंक पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपग्रेड करने के लिए अलॉयज डाले हुए हैं, ठीक है, अलॉयज का 17 इंच अलॉय है, लुक काफी बढ़िया है, लुक बढ़िया है काफी। टायर जो है इसमें बढ़िया डाले हुए हैं 17 इंच। Okay. फ्रंट जो इसमें सारी HID लगी हुई है, जितनी लाइट्स है सारी HID लाइट है ऑन। अच्छा, करके अभी ये प्रोजेक्टर्स में जितना भी होगा वो सब सब HID लाइट्स लगाई हुई हैं। और गाड़ी के इंटीरियर में आप जो आगे से फ्रंट ग्रिल इसकी जो चेंज की हुई है, और कोई चाहे तो उसको ओल्ड ग्रिल भी हम दे देंगे जो इसके साथ में आती है, ओके। और अंदर से आप देखेंगे गाड़ी में बकेट सीट कवर जो है बहुत ही बढ़िया बकेट सीट कवर लगे हुए हैं, मैटिंग जो है इसमें 9D डली हुई है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात जो मैं बता दूं, म्यूजिक सिस्टम जो है उस पर खास तौर पे कम से कम भी 1 से 1.5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट किया है, डंपिंग किट्स के साथ बास ट्यूब एम्पलीफायर और स्पीकर्स भी जो है एक्स्ट्रा जो है इसमें लगवाए गए हैं, ठीक है। और बाहर से जो इसमें हैंडल्स हैं ये इन्होंने टॉप मॉडल की कंपनी से परचेज करके लगवाए हैं, मतलब ये कोई कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, क्रोम हैंडल्स हैं, नीचे भी क्रोमिंग काफी अच्छी करवाई हुई है। और मैं बैक से बताऊंगा कि गाड़ी का बूट खोल के देखिए, इसमें भी स्पीकर जो है एक्स्ट्रा इन्होंने पॉइंटर के लगवाए हुए हैं, और अंदर बास ट्यूब जो है इसमें लगी हुई है, और काफी बढ़िया जो साउंड क्वालिटी इसकी, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी। अभी हम ना थोड़ा इससे पहले थोड़ा चेक कर रहे थे इसका साउंड सिस्टम, तो काफी बढ़िया आवाज जो थी वो निकल के आ रही थी इस गाड़ी से। तो लाडी सर 3000 चली हुई है, 2000 कौन सा मॉडल है? 2022 मॉडल है, नवंबर मंथ की गाड़ी, सिर्फ 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है। क्या डिमांड? इसकी जो डिमांड है निकेश्वर वो 13 लाख की रेंज में है, ठीक है। बाकी ऑन टेबल जो है थोड़ी बहुत जो नेगोशिएशन हो जाएगी वो हो जाएगी। सो इसमें जितनी भी एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन हो रखे हैं वो सारी साथ में मिलेंगी ना? बिल्कुल, जो कुछ है सब साथ में मिलेगा, उल्टा एक्स्ट्रा हम इसको कोटिंग करके देंगे साथ में। क्या बात है, क्या बात है।
अगली क्रेटा की तरफ। अगेन अनिकेश्वर, ये एक और क्रेटा है हमारे पास, ये लद्दाख का नंबर है। अगर कोई चाहे तो मैं वहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ देखे से तो उनके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज एनओसी बोलेंगे तो जम्मू की कटवा देंगे। ये डीजल वर्जन में है, ये भी अगेन ईएक्स वर्जन है। सारा जो सिस्टम जो म्यूजिक उसमें लगा लगा है, लेकिन उसमें जो क्रोमिंग वगैरह है वो इसमें नहीं है। ठीक है, ये डीजल में है, जो पहली मैंने आपको बताई वो पेट्रोल में। पेट्रोल में गाड़ी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है ये भी। तो इसकी जो आस्किंग प्राइस हमने रखी हुई है वो 12,50,000 की रेंज में है। ठीक है, ये डीजल में है, ये डीजल में 21 मॉडल है। ठीक है, और इसके साथ ही अगली गाड़ी की तरफ, उसके बाद अगली गाड़ी आ गई, ये स्कोडा आ गई, 2009 मॉडल गाड़ी है। डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, डीजल वर्जन में है, अलॉय लगे हैं, टायर बढ़िया डले हैं कंडीशन में। इसका जो आस्किंग प्राइस है ये 2 लाख रुपए की रेंज में। ठीक जी, और नेक्स्ट गाड़ी जो है हुंडई की ग्रैंड आई10। So, ये कौन सा मॉडल? ग्रैंड आई10 अनिकेश्वर 2018 मॉडल है, मैग्ना ऑप्शनल गाड़ी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर मिलेंगे इसके। ओके, बाकी मैं बोलूंगा कि कैमरामैन से एक बार अंदर से ये पूरा दिखा दे आपको व्यूज। सो अंदर मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा कि प्लीज आप अंदर से दिखा दो, तो अंदर से आप गाड़ी के लुक देख सकते हो। इसका जो आस्किंग प्राइस अनिकेश्वर हमने रखा है 5,20,000 की रेंज में, जो ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इसमें हो जाएगी। तो गाड़ी ये भी एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों से बढ़िया कंडीशन में आपको मिल जाएगी। और अगली गाड़ी की तरफ बढ़े जी, सो i20 रहने वाली है नेक्स्ट अनिकेश्वर। i20 है 2013 मॉडल, पेट्रोल में स्पोर्ट्स मॉडल ये गाड़ी है। ठीक है, इसमें फ्रंट में फॉग लाइट्स वगैरह डे लाइट्स वगैरह सब इसमें आती है। इंटीरियर में कैमरा शैमरा सब कुछ इसमें इनबिल्ट आता है, सिस्टम कंप्लीटेड इसमें आता है। Okay. इसका जो आस्किंग प्राइस हमने रखा है वो 375 की रेंज में है, ऑन टेबल जो है इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। बाकी टायर्स वगैरह जो होंगे बढ़िया कंडीशन में, टायर्स में यहाँ पे आपको चारों के चारों टायर्स जो होंगे वो आपको इस i20 में मिल जाएंगे। तो एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा यहाँ पे एक बार गाड़ी को ना इंटीरियर से भी दिखा दो, यहाँ से आप गाड़ी का इंटीरियर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी के स्टीरियो की बात करें तो कंपनी साइड से जो स्टीरियो उस टाइम पे आता था वही यहाँ पे मिलेगा, ऑल ओरिजिनल गाड़ी जो है ये रहने वाली है। और अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, होंडा की जायज है, सर क्या डिटेल्स है? अनिकेश्वर ये 2015 मॉडल जायज है, फुल टॉप मॉडल गाड़ी है, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, टायर बढ़िया कंडीशन में है। ओके, और इसका जो आस्किंग प्राइस हमने रखा हुआ है वो 5 लाख की रेंज में। ठीक है, बाकी ऑन टेबल जो है थोड़ी बहुत इसमें नेगोशिएशन। ये पेट्रोल वेरिएंट है? ये पेट्रोल वेरिएंट, और ये i20 जो i20 भी पेट्रोल वेरिएंट, i20 भी पेट्रोल वेरिएंट। बाकी गाड़ी ये भी एक्सटीरियर से जो है वो काफी बढ़िया और शानदार एडिशन में है। बाकी जैज की एक खासियत है, काफी स्पेशियस गाड़ी है, बहुत स्पेशियस है, बकेट सीट कवर लगे हैं, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर, गाड़ी भी बहुत ही बेहतरीन है। सो अब चलिए अब जल्दी से अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, थार 4x4 जिसकी काफी डिमांड रहती है मार्केट में। और लट सर इसकी डिटेल्स बता दो। अनिकेश्वर ये 2018 मॉडल थार है। ठीक है, काफी लोगों की डिमांड रहती है कि न्यू शेप नहीं चाहिए, आप ओल्ड शेप भी हमें चाहिए, ताकि ऑफ रोडिंग के लिए जी थी ओल्ड शेप जो बढ़िया थी। ठीक है, ये 2018 मॉडल गाड़ी है, 4x4 टॉप मॉडल गाड़ी है, आफ्टर मार्केट इसमें अलॉय टायर म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, टच पैनल लगा हुआ है, और आगे बम्पर अगला पिछला दोनों बम्पर जो है इसके अच्छी तरह आप देखिए, दोनों बम्पर जो है इसके आयरन के लगवाए हुए हैं जो कि कंपनी के उतरवा के उन्होंने चेंज करवाए हैं। इसमें भी लाइट्स वगैरह दूसरी लगी हैं, फ्रंट लाइट्स देखिए इसमें चेंज है। बाकी हार्ड टॉप इसको जो है उन्होंने स्पेशली बनवाया हुआ है, अंदर सीट्स और सनरूफ भी गाड़ी में जो है लगवाया है। गाड़ी फुली जो है वो मॉडिफाई होके मिलेगी आपको, बाकी एक बार इंटीरियर से आप चेकआउट कर लो। इंटीरियर से भी गाड़ी काफी लग्जूरियस है और काफी कंफर्टेबल बनाई गई है इसके प्रीवियस ओनर द्वारा। और लाइट सर क्या डिमांड रहने वाली है इसकी? इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 8.5 लाख रुपए है। ठीक है, बाकी ऑन टेबल जो होगा वो हम इस पे नेगोशिएशन देखेंगे। तो ये भी चीज़ है, बाकी लग्जर अगर फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए 100% मैंने कह दिया, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर होने चाहिए, बंदे के सिबल स्कोर अच्छा होना चाहिए, बैंकर्स हमारे पास ऑन टेबल ऑन द टाइम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बंदे का रिकॉर्ड ठीक होगा, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर होंगे, और 100 किलोमीटर के दायरे में मोस्टली, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में काफी बार बता चुका हूँ कि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई आता है, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर होते हैं, तो उनका फाइनेंस हम सिंगल डे में एक ही दिन में उनका फाइनेंस कर दें। तो ये भी चीज़ है। अब अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, i20। तो क्या डिटेल्स है इसकी? ये 2018 मॉडल है अनिकेश्वर, पेट्रोल में है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल गाड़ी है, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, टायर नई कंडीशन में है, 66,000 ये गाड़ी चली है। ठीक, बाकी इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 6 लाख है। ठीक है, ऑन टेबल इसमें भी जो नेगोशिएशन वो हो जाएगी। तो गाड़ी ये भी जो है एक्सटीरियर से काफी बढ़िया कंडीशन में है, सिल्वर मेटालिक कलर जो है वो इस गाड़ी का रहने वाला है। और बाकी ये कुछ आप इंटीरियर से देख लो, ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि है सेलेरियो। सो गाड़ी सर कौन सा मॉडल है ये? जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ऑटोमेटिक में भी हमारे पास एक दो गाड़ियां आई हुई हैं।
एक तो ये सिलेरियो 2014 मॉडल में अभी जस्ट पहुंची है गाड़ी, अभी हमने इसको फिनिश नहीं किया, बफिंग वगैरह नहीं करी है, डॉक्यूमेंट सारे इसके अप टू डेट क्लियर है, ठीक है। गाड़ी 2014 मॉडल ऑटोमेटिक में है, ठीक है। ये सिर्फ 3.5 लाख रुपए की रेंज में है, ऑन टेबल जो है इसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगी। 3.5 लाख हाँ, इसकी डिमांड है। म्यूजिक सिस्टम इसमें टच पैनल वाला लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सेंटर लॉकिंग वगैरह जो कंपनी की तरफ से आती है वो सब इसमें लगी हुई है। बाकी ऑटोमेटिक गाड़ी की काफी डिमांड रहती है और इस प्राइस पॉइंट में आपको मेरे ख्याल से काफी बढ़िया डील जो है वो जीबी कार्स के एंड से मिल रही है। खासतौर पे सिलेरियो माइलेज के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, वही चीज बोल रहा हूँ। और स्पेशियस भी, अगर आप K10 लेने जाते हैं तो वो भी आई थिंक 3.5 की पड़ती है, तो ये चीज है। बाकी ये गाड़ी थोड़ी स्पेशियस है। वरना की तरफ चलते हैं, ये कौन सा मॉडल है? जैसे कि पहले भी आपने मेरी एक दो वरना का शूट किया था, बहुत ही अच्छे मतलब कस्टमर वो उन गाड़ियों के ले गए, अच्छी गाड़ियां थी बहुत ही, और जिन्होंने लोगों ने काफी अच्छी लाइक करी वो गाड़ियां। ये 2021 गाड़ी है, पेंडिंग है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे इसके अप टू डेट क्लियर है, ओके। और गाड़ी फुल टॉप से एक नीचे वाला SX ऑप्शनल, सॉरी SX मॉडल है ये, ऑप्शनल नहीं है। बाकी सीट कवर बढ़िया इसमें लगे हुए हैं, मैटिंग इसमें बढ़िया लगी हुई है, डॉक्यूमेंट सारे इसके अप टू डेट क्लियर भी लगे। मैं इंटीरियर एक बार बोलूंगा कि आपको दिखा दे आराम से। तो और सिर्फ 21,000 ये जो गाड़ी है वो चली हुई है। बाकी आप इंटीरियर से देख लो, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके प्रीवियस ओनर ने एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी लगा के रखी हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले भी एक गाड़ी आई थी हमारे पास, उसमें से उस पर भी शायद यही इसी टाइप की एम्बिएंट लाइटिंग लगी थी, ठीक है। जी जी जी। सो बाकी क्या डिमांड रहने वाली है सर इसकी? इसकी जो डिमांड है निकेश, 12 लाख की रेंज में, ओके। बाकी ऑन टेबल जो है इसमें नेगोशिएशन। ये पेट्रोल वेरियंट है? पेट्रोल वेरियंट में, पेट्रोल वेरियंट है। लेटेस्ट जो अभी टॉप मॉडल चल रही है यही गाड़ी है। So, ये तो ही इनके थोड़े स्टॉक जार्ट में इन्होंने कुछ गाड़ियां रखी थी। अब चलते हैं थोड़ा डिस्प्ले वाले स्टॉक की तरफ, बिकॉज थोड़ा रोड का काम लगा हुआ तो वहाँ पे ज्यादा गाड़ियां नहीं। जी, जी जी, जितनी भी गाड़ियां हैं वो हम आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब कुछ और गाड़ियों की तरफ। पहली गाड़ी जो है ह्यूंडई की ग्रैंड i10 है, दूसरी जो है सेंट्रो रहने वाली है ह्यूंडई की, तीसरी जो है वो भी i10 रहने वाली है। ये जो ग्रैंड i10 है 2016 का मॉडल है, 4,75,000 इस गाड़ी की डिमांड है। एस्ट्रा ऑप्शनल टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ये गाड़ी जो है वो रहने वाली है। तो एक बार मैं इंटीरियर से भी आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी। तो इंटीरियर से अच्छी कंडीशन में है, पुश स्टार्ट स्टॉप की फैसिलिटी के साथ मिल जाएगी ये गाड़ी, एंड डिमांड खैर मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रो है। बट इस गाड़ी में आपको ना अलॉय वगैरह भी सब कुछ देखने को मिलता है, थोड़ी जगह जहाँ पे कंजेस्टेड है इसलिए मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पा रहा। अगली गाड़ी जो है सेंट्रो है, 2019 का मॉडल है, ये गाड़ी भी 4.5 लाख की रेंज में है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। गाड़ी ये भी जो है वो बढ़िया कंडीशन में है। मैं एक बार आपको इस गाड़ी का भी इंटीरियर जो है वो दिखा देता हूँ। सो ये चेकआउट कर लो आप इंटीरियर से, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी जाने वाली है, अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है। इसी के साथ जो लास्ट गाड़ी है वो है अपनी i10, ये डीजल में रहने वाली है और ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल इंजन में थी। बाकी ये गाड़ी जो है 2018 का मॉडल है और स्पोर्ट्स वेरियंट जो आता था वो वाला है, ड्यूल कलर में। 5.5 लाख रुपए की इस गाड़ी की डिमांड है। और इंटीरियर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी, टच पैनल वगैरह आप देख सकते हो, बढ़िया और नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी जो होगी वो आपको जीबी कार्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से देख लीजिए आप। सो दोस्तों ये जो आपने जितना भी स्टॉक देखा ये था जीबी कार्स जम्मू का। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अभी लाडी साहब थोड़ा बिजी है कस्टमर्स के साथ ना, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है इनके पास। अगर कोई और गाड़ी है जो हम वीडियो में आपको नहीं दिखा पाए उसकी क्वेरी है तो आप लाडी भाई को कॉल कर सकते हो, उनका नंबर जो है वो स्क्रीन के नीचे मेंशन हो रहा है, आप डेफिनेटली वो आपको असिस्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू गाड़ियों के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।